तमाम बेरोजगार युवा इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़ रहेगा। एक खुशखबरी जो है आपके समक्ष लेके आया हूं, जिस तरह से एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसीज जो है वो निकली थी, और वहीं अगर बात करें जो इनकी आवेदन की अंतिम तिथि है वो भी जो है वो मेंशन कर दी गई थी। आपको बता दें अब आवेदन तिथि जो है वो बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, और 10वीं पास जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लोग जो है इसमें ऑनलाइन माध्यम से जो है अप्लाई कर सकते हैं। उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वह लोग जो है अप्लाई जो है वो जरूर कर लीजिए। मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी भर्ती में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो 14 अक्टूबर एवं फीस जमा करने की लास्ट डेट जो है वो 15 अक्टूबर जो है वो निर्धारित है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो 10वीं पास है, वह जल्द से जल्द आवेदन फॉर्म जो है वो भर लें, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर लें, और इससे आप अंतिम दिनों में, जिस तरह से जानते हैं कि जब अंतिम दिन होते हैं तो वेबसाइट पर जो है ट्रैफिक भी जो है वो रहता है, जिसकी वजह से काफी समय जो है वो लगता है, और कई सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी जो फॉर्म है वो भी जो है वो फिल वे लोग नहीं कर पाते हैं। आपको बता दें जिस तरह से एसएससी द्वारा जो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफएस और एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी, आसाम राइफल में राइफलमैन जीडी और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कांस्टेबल के 39,481 पदों पर जो है वो भर्ती निकाली गई है, जिनमें शामिल होने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो नजदीक है, क्योंकि इस भर्ती में लाखों उम्मीदवार जो है वो आवेदन करते हैं। ऐसे में कई बार रजिस्ट्रेशन के अंतिम दिनों में वेबसाइट जो है वो सही से काम नहीं करती, तो इसलिए जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो बिना देरी करते हुए जो है एसएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर, जो कि ssc.gov.in है, वहां पर जाकर जो है वो जीडी कांस्टेबल के लिए जो है वो अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी सहूलियत के लिए जो है हम जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर भी जो है वो लिंक जो है वो डाल देंगे, और जिस तरह से रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो 14 अक्टूबर एवं फीस जमा करने की लास्ट डेट जो है वो 15 अक्टूबर निर्धारित है, और 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए जो है बहुत ही सुनहरा मौका है। इस भर्ती में भाग लेने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके पास जो है 10वीं जो है वो आपके पास होनी चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और जिस तरह से इसके साथ ही अभ्यर्थी की जो कम से कम उम्र जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु जो है वो 23 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और एसटी एससी वर्ग के आने वाले अभ्यर्थियों को जो है 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी, और ऊपरी आयु में 3 वर्ष तक की जो है वो छूट दी जाएगी, और उम्र की गणना जो है वो 1 जनवरी 2025 को ध्यान में रखकर जो है वो की जाएगी। आपको बता दें आवेदन के जो स्टेप्स हैं, किस तरह से आप आवेदन करेंगे, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है ssc.gov.in पर। वेबसाइट पर होम पेज पर आपको अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है, वहां पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके अपनी डिटेल जो है वो भरनी है, पंजीकरण करना है, फिर लॉगिन माध्यम से जो है अपने फोटोग्राफ जो आपकी सिग्नेचर्स वगैरह जो है वो अपलोड करके अपना आवेदन जो है वो पूरा करना है, और अंत में जो है उम्मीदवार जो है जो शुल्क वहां पर निर्धारित किया गया होगा उस शुल्क को जो है वो भरना है, उसके बाद जो है आपको रिसिप्ट मिलेगी, वो रिसिप्ट को जो है आपको अपने पास रख लेना है। स्टेप्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, और बहुत ही सुनहरा मौका है, आप लोग इसको गवाइएगा नहीं, और अंतिम तिथि जो है वो नजदीक आ चुकी है, 14 अक्टूबर है, तो आप लोग जो है इसको गवाइए नहीं। अंतिम दिनों में जो है जिस तरह से वेबसाइट भी बिजी रहती है, तो आप लोग अप्लाई कीजिए, और भी इसी तरह की अपडेट्स के लिए जो है आप जुड़े रहे नेशनल स्ट्रेंथ न्यूज के साथ। हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा।